नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो पे। मैं हूँ सरफराज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरफराज कुनस्टार्ट। तो आज मैंने एक ड्राइंग बनाया है जिसमें मुझे अप्रॉक्स 7 घंटे लगे हैं, जिसे मैंने बनाया है फाइन लाइनर माइक्रोन पेन का इस्तेमाल करके, जिसमें मैंने इस्तेमाल किया है 5 अलग अलग थिकनेस वाले पेन, जैसे कि 0.05, 0.1, 0.3, 0.6 और 0.8। कौन सा पेन कहाँ पर इस्तेमाल किया वो सब मैं बताऊँगा, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्राइंग के लिए मैंने स्टेडलर के 6B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। पहले मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, उसके बाद मैंने उसमें धीरे धीरे डिटेल करा है। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद मैंने इस्तेमाल किया 0.05 का, जिससे मैं पूरे एरिया में दूंगा उसका, जो रैबिट का जो पूरा बॉडी है उस बॉडी में मैं एक टोन दूंगा थोड़ा सा स्पेस दे देकर। जैसे कि होता है कि माइक्रोन पेन में आप वो स्पेस थोड़ा छोड़ के देंगे तो वो लाइट हो जाएगा, और स्पेस साथ मतलब एकदम बराबर से देंगे तो उसमें डार्कर हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस बढ़ा के उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग, उसका फर जो जिस तरह से गया हुआ है उसके बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग मैं दे रहा हूँ 0.05 का इस्तेमाल करके पहला टोन। उसके बाद फिर मैं 0.1 का इस्तेमाल करूँगा कहीं कहीं पर, जहाँ जहाँ पर मुझे डेप्थ देना होगा। उसके बाद और ज़्यादा डेप्थ दिखेगा जहाँ पे डार्क बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैं 0.3 का इस्तेमाल करूँगा। रैबिट में मैंने 3 ही ग्रेड इस्तेमाल किया, 0.05, 0.1 और 0.3 का। बाकी जो है वो मैं बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया हूँ, जैसे 0.6 और 0.8 को मैंने बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया, 0.1 भी मैंने बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया पहला टोन देने के लिए।
तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।